में नदी के बीच में चट्टाने हैं, ये दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलता होगा, क्योंकि ये सिर्फ दामोदर नदी की खूबसूरती है जो इस तरह की दृश्य अपने आप में समेटे रखती है। और इसके आगे भी मैं दिखाऊंगा, जहां मैं जाना चाह रहा हूँ अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको वो दृश्य जो जिसके लिए मेला जो है फेमस है। तो चलिए आगे, तो देखिए ये जो चट्टाने हैं, ये जो चट्टाने हमारे पीछे दिख रही है वो जो है बहुत अपने आप में एक मोहक दृश्य है और देखने में बहुत खूबसूरत है। तो चलिए और भी मैं कुछ इस मेला के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, आगे बने रहे हमारे साथ। तो गाइस हमारे साथ कुछ लड़के हैं, यहाँ के लोकल लड़के, मैं उससे बात करता हूँ। हाय करो सब बच्चे। तो ये रहे मेला का आकर्षक का दूसरा केंद्र। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर, तुम्हारा? बंटी ठाकुर। मेले में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। दो साला करो हथिया लगवाने के। तो देखिए मेला में जो है उत्साह बच्चों का बना हुआ है, आगे मैं दिखाता हूँ। तो देखिए मेला के बीच से थोड़ा मैं ज्यादा आ गया हूँ और यहाँ पे सारी दुकानें लगी हुई है लाइन से, देख रहे हैं यहाँ पे अंडा रोल, चौमिन चाट, आइसक्रीम, ये सारी चीजें इधर से मिल रहा है हमारे पीछे। और उधर देखिए बच्चे को खेलने के लिए जो है मिक्की माउस की व्यवस्था की गई है। और आगे चलते हैं और भी दिखाता हूं मैं आपको। कैसे कैसे अंडा रोल दे रहा भाई? 30 रुपया में एक सिंगल अंडा। तो 30 रुपया में सिंगल अंडा जो है मिल रहा है रोल, वो जो कि सस्ता है ना। तो आइए आप लोग भी खाएं यहाँ पे। और चलिए हमारे पीछे जो है बहुत सारी दुकानें हैं और हम दिखाते हैं क्या क्या बिक रहा है यहाँ पे, मेले को जो है क्या जो है खूबसूरती में जो अपना योगदान दे रहा है दुकानें सारी, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। देखिए उधर छोला चाट, ये सारी चीजें। और देखिए ये हवा मिठाई जो है मिल रहा है ना, ये हवा मिठाई है। कैसे दिए बाबा? 10 रुपया में हवा मिठाई है ना। और सब बढ़िया? और सब बढ़िया है? और सब बढ़िया बोलिए। हाँ एकदम ठीक है। सुबह से बेच रहे हैं? वाह बहुत बढ़िया, बेचते ही है ना। तो चलिए आगे देखिए जो है मैं दिखाता हूँ आपको। और इधर जो है बच्चे उछल रहे हैं लोग, ये सारी चीजें हैं। और मैं बहुत करीब पहुंच गया हूँ बस जहाँ। हाँ चलिए चलिए देखिए देखिए ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य आपको बहुत कम ही देखने को मिलता होगा, ये बड़ी बड़ी चट्टानें नदी के किनारे। और इसकी जो है इसके बारे में मैं बात करूँगा, बेसिकली ये इसलिए प्रसिद्ध है ये मेला, अंत में मैं ज़रूर इसमें बताऊँगा कि वो हाथी का जो हाथी बाबा है उसकी जो विशेषता क्या है, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगा और बताऊँगा। तो चलिए बने रहें हमारे साथ। यहाँ की जो है कुछ प्रसिद्ध चीजें हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन ये प्रसिद्ध जो है, हाँ ये हाथिया भगवान का जो मेला है यहाँ पे। तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ मेले के बीचों बीच और जो है हमारे पीछे देख रहे हैं कि जो है नदी है और यही नदी जो है दामोदर नदी है और इसी के जो है किनारे पे जो है मेला लगता है यहीं पे। और मैं बीचों बीच मेले के बीचों बीच पहुंच गया हूँ और चलिए आपको नदी के पास मैं जाकर के दिखाता हूँ जलधारा यहाँ की। क्या है ना कि बेसिकली दामोदर नदी इतनी प्रसिद्ध है जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आप जान रहे हैं कि भारत में जितने भी कोयला पाया जाता है उसमें 60% कोयला जो है इस दामोदर नदी के बेसिन के में पाई जाती है। तो चलिए मैं दामोदर नदी को जो है पास से आपको मैं दिखाता हूं। आप देख रहे हैं कि झारखंड की खूबसूरती है और ये नदी जो है ना बहुत, ये जो देख रहे हैं यहाँ की नदी जो है बहुत ही अच्छा है और जो है यहाँ की जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए लोग जो है यहाँ पे आते हैं। जो देख रहे हैं कि लोग अपना लिबास में है, ये झारखंड की संस्कृति है और जो है ये चीजें काफी प्रसिद्ध है। तो अब चलिए मैं आगे चलता हूँ मेले में, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। भीड़ बहुत ज्यादा है दोस्त, देखिए हमारे भाई हमारे नगर के जो है गुड्डू भैया हैं। गुड्डू भैया हाय बोलिए। और हमारे मित्र हैं जो है ओ गाइस। तो मैं मेले के बीचों बीच अभी हूँ और मेरे साथ देखिए कुछ बच्चा जुड़ गया है ना। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हर्ष। हर्ष मेला में मजा आ रहा है? तुमको मजा आ रहा है? तुम क्या क्या खाई? बोलो कहीं घूमे है भैया? है घूमने भी है। तो देखिए अभी बच्चे शर्मा लोग लगता है, तो जाओ मजा करो ना। तो चलिए आगे हाय करो हाय करो। तो देखिए बच्चा जो है बहुत मजा आ रहा है इनको मेला देखने के लिए।
मेला देखने में। तो चलिए आगे भी इधर कुछ दिखाते हैं, सब जगह जो है इतना अच्छा दृश्य है इस मेले की, जो है इस पत्थर और नदी की इतना अच्छा दृश्य है कि आप कहीं इसके पहले देखे नहीं होंगे। दृश्य इतना मस्त दृश्य है, हम कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं नजारा कितना अच्छा दृश्य, ये जो है दामोदर नदी की बहुत खूबसूरती है जो इस मेले में जो है यहाँ जो आते हैं तो उनको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे मैं और कुछ दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आ गया हूँ जहाँ पे उस लोकेशन पे, कुमार बंटी ब्लॉग सर्च करिए आ जाएगा, ठीक है, कुमार बंटी ब्लॉग, हाँ ब्लॉग बी एल ओ जी। तो आ गया हूँ मैं उस लोकेशन पे, आप देख रहे हैं कैसा बहुत ही सुंदर दृश्य है। और यही वो जो है हाथिया भगवान है, इन्हीं का जो है पूजा होता है यहाँ पे। ये आकार जो है एकदम हाथी का था, आगे का भाग अभी टूट गया है वो बाढ़ आने के कारण, लेकिन एकदम जो है ये प्राकृत रूप से है, इसमें कोई बनाया नहीं गया है, इसी के लिए ये फेमस है हमारे दोस्त। बेसिकली मैं इसके बारे में बात करूं तो इनका यहाँ पे जो है कहना है, इसके पीछे जो लॉजिक है, कहानियां जो है कि 100 से 150 साल पहले यहाँ पे जो एक राजा थे वो अपना लड़का का शादी करने के लिए जा रहे थे, तो इस नदी में जब आए नदी के पास तो बहुत ज़्यादा जलस्तर था, बहुत पानी बढ़ा हुआ था जिसमें वो पार नहीं कर सकते थे, जिसके लिए वो मन्नत मांगे थे। और जब मन्नत मांगे तो जो है दामोदर नदी का जल स्तर जो है वो नीचे हुआ और वो आसानी से नदी को पार कर गए। और जब पार कर गए तो जो है उधर से जब आने लगे शादी करके राजा अपने बेटे का, तो उधर से जब आए तो वो अब बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया और वो जो गस्से थे वो भी नहीं दिए, जिसके कारण जो है जैसे ही वो नदी में इंटर किया तो दामोदर नदी की जो जलस्तर है वो काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे कि उसका उसके साथ जितने भी बारात थे, जो उसके हाथी घोड़ा और जो ढोल नगाड़े थे सब जो है बह गए। उसी का जो है प्राकृतिक रूप से अभी जो आपको दिख रहा है उसी का जो कहा जाता है कि उसी का बहा हुआ भाग जो है देख रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर का आकार लिया हुआ है, तो उसमें हाथी घोड़ा और ढोल नगाड़े यही सब का जो है आपको दृश्य जो है दृष्टिगत हो रहा होगा, हमारे कैमरे में आप देख रहे होंगे। और जो है देखिए आप बेसिकली जो है आप पानी के अंदर देख रहे होंगे कि कुछ ढोल के आकार के, कुछ घोड़े के आकार के, और इधर जो है हाथी का आकार का जो पत्थर है, इसे बेसिकली हाथिया भगवान का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पे जो है मेला हर जो है मकर संक्रांति को 14 जनवरी के दिन मेला लगता है, ये जो है 14 जनवरी को। देखिए हमारे भाई हैं हमारे पीछे, कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जगमोहन तुरी। तो क्या मेला के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेला के बारे में यहाँ तो हमेशा 14 तारीख को मेला लगता है, बहुत ऐसा मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, इतना भीड़ रहता है कि कहना मुश्किल है जी। तो मेले का जो है अगर हम बात करें तो बेसिकली मेला बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ के लोगों में बहुत ही उत्साह होता है कि कब 14 जनवरी आए और हम मेला देखने जाए। मैं सही बोल रहा हूँ सर? सही सही बिल्कुल। देखिए हमारे साथ हमारे भैया है, क्या नाम हुआ? नाम तो बताइए, आपका नाम क्या हुआ? हरीश कुमार। हरीश कुमार, मेला में आनंद आ रहा है घूम के? पूरा पूरा। तो चलिए मेला है तो गाँव घर का मेला है। तो देखिए दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ हम और नजदीक लेने ले जाता हूं आपको, और वो दृश्य जो आप देख रहे हैं ये दृश्य आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जो दृश्य है ये बहुत प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली, ये मेला बहुत ही फेमस है और झारखंड में एक जो है पूरे झारखंड में थोड़ा चलिएगा, पूरे झारखंड में जो है ये बहुत ही फेमस है। और ये नदी की बात तो मैं पहले वीडियो में कर ही दिया था कि ये दामोदर नदी के किनारे है और आगे जाना लगता है दोस्त। गाइस तो बने रहे हमारे साथ और मैं जी जी देखिए एक बच्चा पूछ रहा हमसे, क्या नाम हुआ तुम्हारा बाबू? सूरज कुमार मातो। मेला में मजा आ रहा है? जी जी। देखिए तो बच्चे बहुत उत्साहित है मेला को लेकर के, और ये मेला इतना जो है प्रसिद्ध है कि झारखंड के कोने कोने से लोग देखने के लिए आते हैं। तो हमारे साथ एक भाई भी है, आप बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? यही बोलना चाह रहे हैं सर, तो सदियों से चल रहा है। हाँ देखिए गिरिएगा नहीं। एक्चुअली क्या है दोस्त कि यहाँ पे जो है ना जगह जो है लोकेशन आपको मैं बताया कि बहुत ये है, तो उसी में जो है नहीं हो पाते। कुमार बंटी ब्लॉग,
क्या नाम हुआ सर आपका? जी हमारा नाम सिकंदर नाम हुआ जी। मेला में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा सर, बहुत मजा, बहुत मजा आ रही। आई हेमंत सोरेन का राज मशाल जी, हेमंत सरकार है झारखंड में, खुशहाली सर। तो चलिए खुशहाली, चलिए मैं आगे आपको, ठीक ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। तो चलिए मैं आगे और चलता हूँ दोस्त, लेकिन लगता है कि बहुत मुश्किल है आगे जाना। और देखिए मैं यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए हमारे पीछे जो वो है, हमारे पीछे आप देखिए यहाँ से हाथी बाबा के नाम से जाना जाता है। तो ये चैनल है, हे गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं, बेसिकली मैं आ गया हूं यहां पे जो है लास्ट हाथिया पत्थर के जो है लास्ट सीन है वहां पे मैं पहुंच रहा हूं। अब बने रहे हैं, मैं बहुत क्लोज से दिखाने का कोशिश करूंगा। और देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक ब्रिज टाइप में है, नदी के बीचों बीच है हाथिया पत्थर भगवान। तो चलिए बने रहे हैं, यही है, देख रहे हैं आप जो दृश्य जो ये है ना, बहुत मजेदार दृश्य है। ऐसा दृश्य जो है ये प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली जो है हाथिया पत्थर है, इसी के नाम से बेसिकली जो है इसी के नाम से जो है ये फेमस है और ये मेला लगता है। तो हाथिया भगवान की जय हो। तो चलिए आगे और भी मैं नजदीक जाऊंगा और ये देख रहे हैं एकदम पूरा प्राकृतिक रूप में जो है पाई जाती है ये हाथी हाथिया भगवान। आगे में क्या है, बेसिकली एक सूर था जिसमें नदी में बाढ़ आने के कारण ये छोड़ जो है सूर जो है क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कि अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं तो आज से पिछले 10-15 साल पहले वो बहुत अच्छा दृश्य था और जो है एकदम जो है हाथी के आकार का दृश्य था, और आज भी बस उसी के तरह प्रतीत हो रहा है। तो चलिए और भी नजदीक में चलता हूँ। तो दोस्तों हे गाइस, तो मैं पहुंच गया हूं मेला के जो मेला का जो लास्ट बिंदु है, जहां पे जो लोकेशन है हाथिया पत्थर भगवान, वहां पे मैं बेसिकली पहुंच गया हूं और मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूं ये पूरा दृश्य। आप देखें जो है यहां का ये इस जिसके लिए ये फेमस है हाथिया पत्थर भगवान के लिए, मैं उसी जगह पे आपको आकर के दिखा रहा हूँ। बेसिकली साइज इतनी बड़ी है कि कैमरा में कैद कर पाना एक एंगल से मुश्किल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं आप यहाँ पे पूजा हो रही है। चलिए आगे मैं और भी जो है पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो दोस्त, देखिए तो पंडित जी हैं और जो है यहाँ पे जो है पंडित जी टीका दे रहे हैं, है ना? और नहीं है इसमें बाबा, तो देखिए पंडित जी ने टीका दिया है और जो है ये हाथिया पत्थर का जो है मेला में जो है अब अंतिम पड़ाव में है। हम देख रहे हैं जो हम छोटे छोटे पत्थरों और घोड़े और नगाड़े की बात कर रहा था, तो ये पत्थर जो देख रहे हैं बाराती जो गए थे वो उसी का प्रतीत यहाँ पे प्राकृतिक रूप में दिख रहा है। तो यही है मेरा दोस्त। तो गाइस यही था मेला, अब मेला का हो गया अंत, मैं निकल रहा हूँ अब मेले से घर। तो चलिए दोस्तों और चलते चलते और भी मैं कुछ आपको दिखाता हूँ यहाँ से, एक बार पूरा मेला का नजारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बने रहे, देखिए आप मेला में जो भीड़ है खचाखच भरी हुई है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कैमरे में। और जो है आगे यहाँ से तो आपको पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा, आगे मैं चलूंगा तो आपको पूरा दृश्य दिखने को मिलेगा। और ये रहा हाथिया भगवान का पत्थर, है ना? और ये तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे अंत करूंगा और आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज आपको मैंने पूरा मेला घुमाने की कोशिश की है और एक एक चीज मैंने बताया है, जितना भी मुझे लगा कि ये सारी चीजें जरूरी है और मतलब मजा आएगा, आपको मजा देगा, तो वो सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। यदि इस वीडियो को देख करके आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।